हेलो फ्रेंड्स, फूड लव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ चिली पेपर्स। ये बहुत ही टेस्टी और इजी चीज़ी रेसिपी है। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें पेपर्स का टैंगी टेस्ट और चीज़ का सोर टेस्ट बहुत ही कमाल का लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के बनाने के लिए हमने 3 पेपर्स लिए हैं, ग्रीन पेपर्स। इसको हम बीच में से काट लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर जो सीड्स हैं वो हम निकाल देंगे। इस तरह से आप जितने भी सीड्स हैं ऐसे निकाल दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, सारे सीड्स निकल गए हैं। इसी तरह से बाकी पेपर्स के भी सीड निकाल लीजिए। हमने बाकी पेपर्स के भी सीड निकाल लिए हैं। अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। ये उबले हुए आलू हैं। 4 मीडियम साइज के आलू ले लीजिए, उन्हें ग्रेट कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए, हमने आलू ग्रेट कर लिए। इसमें हम 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और इसमें लहसुन भी कस देंगे। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह से सारे लहसुन ग्रेट करके डाल दें। 5 से 6 छोटी कलियां लें। ये अमूल का क्यूब चीज़ मैंने लिया है, प्रोसेस चीज़। ये आप ग्रेट करके इसी मिक्सचर में डाल दीजिए। मैंने 2 क्यूब्स लिए हैं यहाँ पे। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरह से चीज़ को ग्रेट कर लें। आधा चम्मच हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च। अब इसको डो बनाने की कोशिश करें। नमक डाल दें स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और डो जैसा बना लें कि सब कुछ, बहुत चीज़ और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने डो बन गया है हमारा। इसको हम ग्रीन पेपर्स में भर देंगे इस तरह से, चिली पेपर्स में। देखिए, इस तरह से इन्हें भर दें। इस तरह से बाकी चिलीज में भी आप भर दें। ये देखिए, हमने तीनों पेपर्स में ये फिलिंग भर ली है। अब हम पैन गरम करेंगे। पैन गरम होते ही हम उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। ये करीब 1.5 टीस्पून बटर है। इसको अच्छे से पैन में फैला लें बटर को। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि जो पेपर्स का टैंगीपन है, जो तीखापन है, वो थोड़ा कम हो जाएगा नमक से। तो इसीलिए हमने बटर में थोड़ा नमक मिक्स किया है। अब इस तरह से पेपर्स यहाँ पे रख दें पैन में, और ये बटर के और सॉल्ट के मिक्सचर को इस तरह से कोट कर लें पेपर्स से। इस तरह से आप हिला के मिक्स कर लें हल्का हल्का, और इस तरह से थोड़ा प्रेस कर लें ताकि वो प्रॉपर शेप में आ जाएं पेपर्स हमारे। गैस हल्की कर दें। और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हल्की गैस पे रखे रहने दें। 4 मिनट बाद आप लिड हटाएं। देखिए, अभी हमारे पेपर्स थोड़े से कच्चे हैं। अब इसमें हम आधा नींबू स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। नींबू से और तीखापन कम हो जाता है इन पेपर्स का। आप चेक कर लें कि कहीं लगे तो नहीं। हमने भारी तले का बर्तन यूज़ किया है।
इसको फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दें। हल्की गैस पे ही रखें। 2-3 मिनट बाद फिर लिड हटा के देखें। ये देखिए हमारा जो फिलिंग है वो अच्छे से फैल चुका है और पेपर्स का कलर्स चेंज हो चुका है। इसका मतलब हमारे पेपर्स बन चुके हैं। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, ज़्यादा डालना है डालना, कम डालना है कम डालें। और ये हमारे चिली पेपर्स, चीज़ी चिली पेपर्स बिल्कुल तैयार हैं सर्व करने के लिए। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ ऊपर से ऐड कर सकते हैं और टेस्टी बनाने के लिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।